सो हेलो दोस्तों यार, फिर से स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में। तो गाइस अपन इस वाली वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि भाई ग्लू वॉल फास्ट कैसे डालें। और गाइस यार सभी बंदे जितने भी बिगनर हैं, प्रो है, जो भी है भाई, सभी को भाई साहब ग्लू वॉल लगानी आती है लेकिन इतनी बेटर तरीके से नहीं लगानी आती है। सो गाइस यार मैं इस वाली वीडियो में यही समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आप अच्छी से अच्छी ग्लू वॉल लगा सकते हो। और जो बंदे बिगनर हैं जिनको खेलना नहीं आता है, जिसने अभी अभी स्टार्ट किया है खेलना, तो गाइस यार वो वाले बंदों को ही मैं बताने वाला हूँ भाई किस तरीके से वो ग्लू वॉल डाल सकते हैं। क्योंकि भाई वो वाले बंदे मैंने देखा है भाई थोड़ा सा अलग ही टाइप का, मतलब ग्लू वॉल डालते हैं, बिल्कुल उनसे बनती नहीं मतलब कि ग्लू वॉल डालनी। तो भाई उनको मैं बताने वाला हूँ भाई, क्योंकि उनको मतलब कि कस्टम में खेलने को मिलता नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि बिगनर होते हैं तो कोई बंदा बुलाता भी नहीं उनको कस्टम में, तो भाई साहब वो ग्लू वॉल भी डालना नहीं सीख पाते हैं जल्दी से। तो भाई इसलिए मैं उनको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे वो बिना कस्टम के भी भाई साहब यहाँ पे अपनी ग्लू वॉल डालना सीख सकते हैं। तो गाइस यार सभी चीज़ें मैंने अच्छी तरीके से समझाई इस बारी वीडियो में। तो गाइस सभी चीज़ें देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, मैं जो बोलूँगा भाई सभी चीज़ों को ध्यान से सुनना ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो गाइस यार इस वाली वीडियो को अपन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देते हैं फटाक से, क्योंकि गाइस मेरे को सिखाना है भाई आप लोगों को ग्लू वॉल डालना। तो गाइस चलो सबसे पहले आप मेरी कुछ क्लिप्स देख लो, उसके बाद समझाऊंगा मैं आप सभी को। I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. सो गाइस आई होप आप लोगों ने देख ली होंगी सारी क्लिप्स। तो गाइस आपको जनरल 100 रखना है और रेड डॉट गाइस आपके डिवाइस के हिसाब से 0 रखो या 100। तो गाइस रेड डॉट आपके डिवाइस में कैसा चलता है वो देखना भाई, हेड कैसे लगते हैं जल्दी। तो गाइस वो रेड डॉट आपको फिक्स करना होगा। लेफ्ट फायर बटन हमेशा ऑन रखना है और यहाँ पे हाई FPS हमेशा हाई रखना है ताकि आपकी स्क्रीन जल्दी ऊपर नीचे हो जाए और भाई मजे आ जाए आपको ग्लू वॉल डालने में। तो यहाँ पे गाइस यार फटाफट से दिखा देता हूँ, मैं अल्ट्रा पे नहीं रख सकता क्योंकि मेरा डिवाइस बहुत ज़्यादा लैग करता है, तो मैंने भाई साहब इसलिए स्टैंडर्ड करके रखा है। और यहाँ पे गाइस पूरी देख लो भाई, और मैं अपना कस्टम HUD बताने वाला हूँ आप सभी को गाइस। तो भाई कस्टम HUD कंट्रोल्स में होता है यहाँ भाई। तो भाई जल्दी से अपन कंट्रोल्स में आते हैं और कंट्रोल्स में देखो भाई कस्टम HUD पे क्लिक करते हैं अपन। और गाइस सर देखो भाई सभी चीज़ें देख लो भाई, मेरा जो स्विचिंग का रहता है गन स्विच में इसी से करता हूँ। तो गाइस मेरा गन स्विच देख लो, स्कोप यहाँ है और ये मेरा जंप बटन है गाइस। यहाँ पे देखो मेरा 85 और ट्रांसपेरेंसी 50 है। तो गाइस मेरे को मतलब कि ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरे को कस्टम HUD याद हो चुका है। और फायर बटन यहाँ पे 50 है अपना। और गाइस सर यहाँ पे सीट वाला बटन देख लो 100 है पूरा। तो गाइस क्योंकि वो सीट वाले बटन पे दबाने से जल्दी से जल्दी सेटअप ग्लू वॉल लग जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। और ग्लू वॉल 100 है जो कि आपको 100 ही रखना है। और भाई साहब ये जो लेफ्ट फायर बटन है आपको 100 भी रख सकते हो आप, क्योंकि मैंने शुरुआत में 100 ही रखा था। और भाई साहब ये मतलब कि स्प्रिंटिंग बटन तो आप कितना भी रख सकते हो, जितना जल्दी आपसे दबेगा उतना ज़्यादा अच्छा, इसलिए मैंने बड़े बड़े सभी चीज़ों को रखा है। तो गाइस आप भी रख सकते हो इसी तरीके से सभी चीज़ें। तो गाइस आपका कस्टम HUD आपको बिल्कुल भी नहीं करना इधर उधर, अगर जहाँ से ग्लू वॉल आप डालते हो वहीं पे डालो। तो गाइस सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो बिगनर होते हैं ना, तो गाइस ये इस तरीके से ग्लू वॉल लगाते हैं बिगनर लोग। तो गाइस देखो इस तरीके से लगाते हैं, यहाँ से जैसे ये बंदा आ रहा है, जैसे इस बंदे को भाई बिगनर लोग ऐसे मारेंगे और फिर इस तरीके से ग्लू वॉल लगाएंगे। तो वैसे उनसे ग्लू वॉल लगाना ही नहीं आता है भाई, जितने भी बिगनर है भाई आपको भी नहीं, जो बिगनर है भाई इसको बोल रहा हूँ, आपको इसी तरीके से ग्लू वॉल लगाते होगे भाई मेरे को पता है। तो गाइस आपको मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लगा सकते हो। देखो पहला नंबर आप ड्रैग करो, ड्रैग करने के बाद में आपको भाई ड्रैग को थोड़ा सा नीचे लेना और भाई ग्लू वॉल ले लेना पहले नंबर। ग्लू वॉल लेने के बाद में भाई सीट वाला बटन दबाना और जल्दी से फायर बटन दबा देना है। तो वैसे इस तरीके से आपकी ग्लू वॉल बहुत ही ज़्यादा ईजी लग जाएगी। बस उसी चीज़ को अपन फिर से देखो करके दिखाते हैं। यहाँ पे जंप ली अपन ने, जंप लेने के बाद फिर से अपने को भाई लोग ड्रैग करना इस तरीके से जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ उस तरीके से, और फिर आपको ड्रैग को फिर से नीचे लेना है जल्दी से और ग्लू वॉल लेके भाई सीट वाला बटन दबाना है और फिर से फायर बटन दबा देना है। ग्लू वॉल OP तरीके से लग जाए यहाँ पे गाइस। आपको सेकंड टिप मैं यहाँ पे बता देता हूँ फटाफट से। तो गाइस पहले नंबर देखो आप सभी लोग, यहाँ पे पीछे मेरे बंदा है देखो भाई यहाँ पे, और गाइस पहले नंबर आपको करना है स्प्रिंट। स्प्रिंट करने के बाद में यहाँ पे आपको लेना है भाई लोग ग्लू वॉल, और ग्लू वॉल लेके जंप करना और फिर साइड तरफ को करना और फिर जल्दी से लेफ्ट फायर बटन दबा देना है गाइस इस तरीके से।
और आपकी इस तरीके से पीछे ग्लोबल लग जाएगी और पीछे वाले बंदे से आप ओपी तरीके से बच सकते हो। तो गाइस कैसी लगी ये वाली ट्रिक वाइज सभी लोग बताना और किसको आती थी वो भी कमेंट करना। तो गाइस देखो यहाँ पे मैं फटाक से पैक हो गया। तो गाइस बहुत सारे बंदों को पैक करना भी नहीं आता भाई, आपको क्या करना है पहले नंबर ग्लूवल लेना उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने पीछे ग्लूवल लगाना बताया था अभी उस तरीके से लगा लेना है और फटाक से आपको बैठ जाना है, बैठने वाले बटन को दबा लेना है और फटाक से यहाँ पे भाई पहले नंबर फायर बटन दबाओ, उसके बाद में यहाँ पे स्लाइड करो फिर फायर बटन दबाओ गाइस, उसके बाद में फिर से आप लोग यहाँ पे स्लाइड करो और फिर से यहाँ पे आप लोग फायर बटन दबा दो। तो बस इस तरीके से आप बहुत जल्दी से पैक हो जाओगे और मेडिकेट यूज़ कर सकते हो, बंदे को रिवाइव दे सकते हो और साथ में गाइस यार आप बंदे को मतलब पैक करके लोली मोड भी बता सकते हो। तो गाइस बहुत सारे बंदे यहाँ पे गाइस इस तरीके से ग्लूवल लगा लगा के आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सभी लोग बंदे ये सोचते हैं कि भाई ये तो भाई साहब मूवमेंट बताने के लिए करते हैं, लेकिन ये गाइस गलत है। गाइस आप मूवमेंट बताने मतलब हम लोग या फिर और कोई बंदा मूवमेंट बताने के लिए नहीं करता है गाइस, बचने के लिए करता है। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो गाइस, देखो पहले नंबर आपको क्या करना है स्प्रिंट करना है, उसके बाद में यहाँ पे ग्लूवल ले लेनी, पहले नंबर आपको लेना है ग्लूवल, तो ग्लूवल लेने के बाद जंप करना है आप लोगों को और जंप करने के बाद भाई इस तरीके से स्लाइड करना है और भाई साहब जल्दी से आपको लेफ्ट फायर बटन दबाते रहना है ताकि आपकी ग्लूवल जल्दी जल्दी से लग जाए भाई, भागने लगो और एकदम से आप लोग। तो वैसे इस तरीके से आपको करना है, पहले नंबर देखो जंप करा स्लाइड किया ग्लूवल लगाया लेफ्ट फायर बटन से और उसके बाद में फिर से अपन ने स्विच कर दिया। तो वैसे इस तरीके से बहुत जल्दी जल्दी ग्लूवल लगती आगे और सामने वाला बंदा मार भी नहीं पाता, देखो किस तरीके से मैं बच रहा हूँ। यहाँ पे बंदा बिल्कुल भी एक सेकंड भी नहीं लेने वाला अपने को मारने के लिए, क्योंकि गाइस अपन को भाई ग्लूवल छोड़ना ही नहीं है, अपन वैसे बिल्कुल भी कवर नहीं छोड़ेंगे तो बंदा कैसे मारेगा। तो वैसे इस ट्रिक को जरूर से यूज़ करना अपने गेम प्ले में, स्क्वाड भी स्क्वाड में या फिर सोलो वाले से सोलो में। तो वैसे देखो पहले नंबर इस बंदे को मैंने मारा, मारने के बाद मेरे को पता है पीछे बंदा, जल्दी से मैंने वो वाली ट्रिक लगाई भाई यहाँ पे पीछे ग्लूवल डालने वाली, तो यहाँ पे मैंने फटाक से ग्लूवल लगा ली। तो इसी से आप समझ सकते हैं ग्लूवल लगाना कितना ज़रूरी है और जल्दी से पैक होने के भाई मैंने जल्दी से यहाँ पे ट्रिक लगा ली और यहाँ पे जल्दी से मैंने ग्लूवल डाली। तो वैसे देख सकते हो कितनी ओपी तरीके से मैंने ग्लूवल डाली और यहाँ पे भाई देखो मैं स्कालर मारूंगा और ये मैंने मारा और ऐसे एकदम से मेरे को पता नहीं था भाई हेडशॉट पड़ेगा नहीं, इसलिए मैंने ग्लूवल डाल दी एकदम से। इस वाले बंदे को देखो भाई मैंने मारा और जल्दी से ग्लूवल डाली क्योंकि मेरे को पता था भाई नहीं पड़ा तो भाई मैं बच नहीं पाऊंगा इसलिए। तो भाई सर जो बंदे मतलब कस्टम नहीं खेल पाते उनके लिए भाई सब सोशल जोन में आ जाना है यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में आने के बाद में, तो भाई सर आपको इस साइड में आ जाना है। इधर पर आने के बाद में आप सही क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे शॉप में एक मतलब कि क्या देता है यार क्राफ्ट टूल नाम का एक यहाँ पे ग्रेनेड मिलता है आपको, ये ले लेना फटाफट से, बहुत ज़्यादा ले लेते हैं जल्दी से ले लेते हैं उसके बाद आपको समझाते क्या करना है। तो वैसे यहाँ पे क्राफ्ट टूल लेने के बाद में पहले नंबर तो जोन से भाई साहब सोशल जोन से यहाँ पे आपको गन लेके आ जानी उधर से ट्रेनिंग ग्राउंड से, तो यहाँ पे गाइस इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो भाई जिस तरीके से मैंने बता रहा हूँ ना, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। देखो इस तरीके से ड्रैग करना है और ड्रैग करने के बाद में फिर से आपको यहाँ पे भाई नीचे की तरफ लाना है स्क्रीन और बैठने पे और फॉर बटन पे दबा देना जल्दी से गाइस, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से करनी होगी तभी आप लोग भाई साहब फटाफट से ग्लूवल लगाना सीख पाओगे भाई। जितने भी बिगनर हैं सभी के सभी जिनको कस्टम खेलना नहीं खेलने के लिए नहीं मिलता है या फिर वो उनको कोई बुलाते ही नहीं कस्टम में, तो भाई सर आप ये सारी ट्रिक यूज़ कर सकते हो और भाई आप भी ग्लूवल लगाना सीख सकते हो। तो भाई सर पीछे की तरफ ग्लूवल लगाने के लिए इसी तरीके से लगा सकते हो भाई साहब जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। देखो भाई लोग पहले मैंने ग्लूवल ली और जंप कर दी और उसके बाद में मैंने फिर से यहाँ पे लेफ्ट फायर बटन दबाना स्टार्ट कर दिया। सो गाइस सर आप सभी लोग यहाँ पे भाई अनलिमिटेड ग्लूवल्स का मजा ले सकते हो। तो भाई किस किस बंदे को भाई ये वाली ट्रिक के बारे में पता नहीं था मेरे को कमेंट करके जरूर बताना यहाँ पे। तो गाइस सर किस किस बंदे को मेरी इस वाली वीडियो से भाई बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, किस किस बंदे को ग्लूवल डालनी नहीं आती थी और इस वाली वीडियो देखने के बाद में आपको आने लगी या नहीं आने लगी कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। और जितने भी लेजेंड और प्रो प्लेयर्स हैं भाई मेरे को बताना कि भाई मैंने कुछ कुछ क्या क्या टिप्स यहाँ पे मैंने खाली छोड़ दिए हैं जो कि बंदों को बताना जरूरी है। तो गाइस मेरे को कमेंट करके बताना ताकि मैं बंदों को बता पाऊँ क्योंकि गाइस मेरे को पता नहीं भाई, इतनी मेरे को टिप्स पता थी तो भाई और भी टिप्स हैं थोड़ी बहुत तो मैं अगली टाइम भाई कवर कर दूँ। तो गाइस सर यहाँ पे मैं डेड ईगल के वन टैप कैसे मारे उस चीज़ की वीडियो में मैं लेकर आने वाला हूँ। तो गाइस किस किस बंदे को चाहिए कमेंट करके जरूर बताना और गाइस जिस बंदे के दोस्त या फिर कोई भी अगर बंदा अभी स्टार्ट खेलना मतलब कि अभी खेलना स्टार्ट किया तो उनको भाई ये वाली वीडियो शेयर जरूर करना क्योंकि गाइस सर उनको भी पता लगना चाहिए किस तरीके से वो लोग ग्लूवल डाल सकते हैं। तो जल्दी से उन लोग को शेयर करो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहेंगी अपने चैनल पे। तो गाइस सर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।